है एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का लेसन द एड्रेस, और राइटर हैं जिसकी मार्गम मिनको। इसमें बेसिकली ये एक स्टोरी है एक डॉटर के बारे में जो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को सर्च करने के लिए जाती है, रीगेन करने के लिए जाती है। किस तरह से पोस्ट वॉर की स्टोरी है ये, एंड दिस इज़ अ प्रेडिटमेंट प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर। अब आपने मूवीज़ देखी होंगी कुछ ऐसी, जैसे आपने गदर देखी होगी, तो उसमें क्या था कि उसमें जो करेक्टर था अमीषा पटेल का, सकीना करेक्टर था, उसकी जो फैमिली, जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, तो उसमें सभी लोग भाग पड़ते हैं, कोई इधर इंडिया का पाकिस्तान के रहने वाले, इंडिया में कि बेसिकली हम तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारे रिलेटिव्स वहाँ हैं। तो आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में, तो हम अपनी जब भी कोई वॉर का टाइम आता है, जब कुछ ऐसा प्रीडिटरमाइंड होती है कि हम अपनी चीज़ों को खोने वाले हैं, तो वॉर में वैसे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी पीपल का लॉस होता है। तो लोग क्या किया करते थे कि अपनी जो प्रेशियस थिंग्स होती थी या फिर मनी या कुछ और ही असेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, इनको लेके जो है वो वहाँ से जो भाग जाया करते थे, माइग्रेट कर जाया करते थे। तो सेम इसी इसमें लेसन में भी क्या था, यहाँ जो डॉटर है 15-16 ईयर्स की गर्ल है, नरेटर है जो इस स्टोरी के अंदर, वो बेटी है मिसिज एस की, यहाँ पर मिसिज एस नाम उनका करके मैंशन किया हुआ है। और वो जो है उसकी जो पुरानी एक्वेटेंस होती है मिसेस डोरलिंग से, तो वो ये सोचती है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को मिसेस डोरलिंग को दे देती हूँ। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, कि वो उसको क्यों दे देती है, एक्चुअली वॉर तो चल रहा था ना पूरे वहाँ पे एरिया में ही, तो क्या ऐसा सीन था कि वो अपनी चीज़ें उसको देती है सेव करने के लिए। एक्चुअली जो मिसेस एस थी वो ज्यूज़ थे, ये लोग ज्यूज़ फैमिली से बिलोंग करते थे, और हॉलैंड में उस टाइम वॉर का ऐसा टाइम चल रहा था, ऐसी सिचुएशन थी कि हिटलर ने ये अनाउंस कर रखा था कि वो सारे ज्यूज़ को किल करवा देगा। और जो मिसेस डोरलिंग थी वो नॉन ज्यू लेडी थी, ठीक है। तो उसने ये सोचा मिसेस एस ने कि ये किसी तरह इसके घर में विजिट करती है, तो ये सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी सारी चीज़ों को, जो मेरी रिच थिंग्स हैं, जो मेरी प्रेशियस थिंग्स हैं, वो मैं मिसेस डोरलिंग के घर में सेव कर देती हूँ, और इस तरह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल्स जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, पोजेशंस थे, वो पहुँच जाते हैं फाइनली मिसेस डोरलिंग के घर। अब वॉर में क्या होता है कि नरेटर जो है वो अपनी मदर को खो देती है, उसकी फैमिली नहीं रहती, तो वो ये सोचती है कि कुछ टाइम के बाद आफ्टर द वॉर कि मैं अपनी माँ की चीज़ों को, आखिर माँ की याद तो आती ही है सबको, तो उसकी चीज़ों को देखकर हम इतने जो है वो टच इमोशनल हो जाते हैं, कोई भी मदर की हमारी, हमें कोई पुरानी चीज़ मिल जाए तो ये बहुत इमोशनल एक्चुअली मोमेंट होता है। तो ये सोचती है कि मैं भी अपनी सारी चीज़ों को बेसिकली जो है मैं वो वहाँ से वापस लेकर आती हूँ मिसेस डोरलिंग से। उसके पास वो एड्रेस होता है जो उसकी मदर ने उसको दिया था, एंड द नंबर वाज हाउस नंबर वाज नंबर 46 मैक्रोनी स्ट्रीट इन हॉलैंड। तो वो वहाँ पे जाती है, उस एड्रेस पे फर्स्ट विजिट करती है वहाँ पर वो, तो वहाँ पे अब जो डोर खोलती है मिसेस डोरलिंग डोर खोलती है, तो वो यूँ ऐसे सिंबल्स करती हैं, ऐसे करती हैं जैसे उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो उसको बहुत अजीब बिहेवियर लगता है मिसेस डोरलिंग का कि ये मुझे पहचान ही नहीं रही है। देन वो सोचती है कि पता नहीं मैं सही एड्रेस पर आई हूँ या गलत एड्रेस पर आई हूँ। तो अचानक से उसको वो दरवाज़ा भी पूरा नहीं खोलती, जस्ट हाफ ऐसे हिडन रहती है डोर के पीछे। तो वो ये सोचती है कि क्यों ना, एकदम से उसकी नज़र पड़ती है अपनी मदर के ग्रीन नेटेड कार्डिगन पे, हु वाज वेयरिंग मिसेस डोरलिंग। तो वो देखकर सरप्राइज होती है और सोचती है कि नहीं मैं सही घर पर आई हूँ। लेकिन वो फिर वो बताती है कि मैं अपनी चीज़ों को लेने के लिए आई हूँ। तो वो जब उसको पता चलता है कि वो ये, तो उसको बोल भी देती है एक्चुअली कि मुझे तो विश्वास नहीं था कि तुम वापस आ जाओगे अपनी चीज़ों को लेने के लिए, बच जाओगी वॉर में। बहुत उसका बहुत अजीब सा बिहेवियर होता है। तो मिसेज जो हमारी नरेटर है वो फाइनली सोचती है कि जब वो डोर ही ओपन नहीं करी है, फोर्सफुली तुम किसी के घर में घुस नहीं सकते हैं, तो वहाँ से बेचारी होपलेस होकर वहाँ से चल पड़ती है। अगेन नंबर प्लेट भी उसकी नज़र जाती है, देखती है कि वही सेम एड्रेस है, एक्चुअली मैं आई तो सेम एड्रेस पर हूँ, बट व्हाट कुड शी डू। तो कुछ नहीं है, वो चल पड़ती है वहाँ से। जब वापस जा रही होती है, सोचती है कि मेरी फर्स्ट विजिट अच्छी नहीं रही, फ्रूटलेस रही है, तो जाती है ट्रेन में, रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। अब वो बैठी बैठी पुरानी चीज़ों को याद करती है कि एक बार मैं जब घर वापस आई थी, मतलब जैसे स्कूल हॉस्टल से घर वापस आई थी, तो वो पूछती है उसको अपनी ना रूम का जो एनवायरनमेंट था, चीज़ें कुछ मिसिंग से नज़र आती है। अपनी माँ से पूछती है कि मम्मा ये कुछ चीज़ें जो है वो मेरे घर में मिसिंग सा लग रहा है। उसकी मदर सरप्राइज़ की, अरे बेटी को सब चीज़ों का पता है। तो वो कहती है कि हाँ, मतलब एक आंटी है मिसेस जो है वो आई थी, तो मैंने उनको कुछ चीज़ें दे दी सेव करने के लिए। देन वो जब भी आती वो कुछ ना कुछ लेकर आती, सूटकेस भरकर हमेशा कोई ना चीज़ लेके जाती। एक्चुअली
वो थोड़ी ग्रीडी टाइप की भी लेडी थी, वो तो आप इसकी फर्स्ट विजिट से ही समझ गए होंगे। और इस तरह से जब वो सामान लेकर जाती थी तो भी इसे उसकी जो है वो ग्रीडीनेस जो है यहाँ पे नजर आती कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को उसकी माँ को धीरे धीरे करके ले जाती रही। तो इस तरह से सारी चीज़ें फिर उसको याद आता है कि वो मेरे घर में मैंने कभी मेरी माँ ने मुझे एक सिल्वर स्पून साफ़ करने के लिए दी थी, वो तो सारी चीज़ें एक्चुअली मिसेज डॉर्लिंग के घर में हैं। फिर उसको बहुत एक अपीयरेंस याद आती है कि शायद उसको थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लग रहा है। कब एक बार वो मॉर्निंग का टाइम था, नरेटर उठकर नीचे आ रही होती है स्टेयर से, तो क्या देखती है एक लेडी बैठी हुई है मेरे घर में, ब्रॉड बैक है उसकी, तो वो पूछती है कि कौन, तो मिसेस डॉर्लिंग करके उसकी जान पहचान वहाँ से करा देती है। बस इतनी ही जान पहचान उसकी, उसकी एक छोटा सा शॉर्ट मीटिंग थी उसके साथ, उसको देखने की मिसेस डॉर्लिंग को इतने साल पहले। और देन वो अगेन फिर से एकदम उसका मन एकदम से चीज़ों को हो जाता है कि नहीं मैं अपनी माँ की चीज़ों को लेके ही रहूँगी, काश एक मुझे मेरी माँ के पोजेशंस मिल जाए तो मुझे थोड़ा सा ना मेमोरीज को मैं रिकॉल कर सकती हूँ, यादों को ताज़ा। कुछ होता ही हमारे दिल में, हम अपने लव्ड वंस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो इस तरह से वो फिर से डिसाइड करती है कि मैं सेकंड विजिट करके रहूँगी। सेकंड विजिट वो जब अब की बार करती है, सेकंड टाइम करती है, तो अब की बार मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं होती हैं, उसकी डॉटर दरवाज़ा खोलती है 14-15 ईयर्स की, और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है उसके कॉरिडोर में। जब वो जाती है कि सारी चीज़ें उसको बहुत मैसी सा फील होता है कि घर बहुत मैसी सा है, जो फर्नीचर है, चीज़ें हैं वो बहुत मिसमैनेज करके रखी हुई हैं, डिस्टेस्ट है उनका, चीज़ों का अरेंजमेंट सही नहीं है। अब उसकी बहुत सारी चीज़ों पर नज़र पड़ती है जो कि उसके उनसे बिलोंग करते थे। जैसे कि सबसे पहले तो जब वो एंट्री करती है तो वो एक कैंडल जो था वो कैंडल एंटी कैंडल पीस था जिसमें कैंडल्स लगाते हैं, तो उसमें जो है वो देखती है कि वो ये तो मेरी हमारी हमारा ही है ये, तो वो कहती है कि एंटीक है। इस तरह से धीरे 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 जैसे जैसे उसके घर में बैठती है, वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, तब तक वो बैठती है, वो सारी चीज़ों पर नज़र उड़ाती है रूम के चारों तरफ, देख कर शॉक्ड होती है कि ओ माई गॉड ऑल द थिंग्स ऑल द आर्टिकल्स पोजेशंस रिलेटेड टू अस ओ माई मदर। तो वो देख कर बहुत हैरान होती है, शॉक्ड होती है कि अब पर कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, वो बहुत चीज़ें इस मिसमैनेज करके रखी हुई थी। और वो एक्चुअली डॉक्टर तो अपना ही बता रही थी कि एंटी के हमने बहुत अलग स्पेशली मंगवा रखा है इनको, इस तरह से करके एक्सप्लेन करती है। फाइनली वो उसकी नज़र पड़ती है टेबल क्लॉथ पे जिस पे वो बैठी थी फर्नीचर पे, तो सामने टेबल क्लॉथ पे नज़र पड़ती है और देखती है कि वो उसके पैटर्न को फील करती है हाथ लगा के, और सोचती है कि ये तो टेबल क्लॉथ भी एक्चुअली उनका है। वो कैसे पहचाना, उसके अंदर बहुत साल पहले एक बर्न मार्क हो गया था, बर्न होल हो गया था सॉरी, तो बर्न होल हो गया था, वो पहचान लेती कि बर्न होल भी वो ये इन्होंने अब तक रिपेयर भी नहीं किया। मतलब आप ये देखिए ना कि कोई किसकी चीज़ों को यूज़ कर रहा है इतने सालों से और वो रिपेयरिंग भी नहीं कर रहा। तो वो देखकर बहुत शॉक्ड होती है कि ये फाइनली। फिर वो टी लेकर आती है, टी लेकर आती है तो वो अपना टी सेट जो होता है वो भी पहचान जाती है, क्योंकि वो वाइट कलर का था और जो ऊपर ऐसे बॉर्डर बना होता है ना कप या कैटल्स के ऊपर बॉर्डर बना होता है, वो गोल्डन लाइन का बॉर्डर था। ओह देखकर उसके लिए बहुत शॉकिंग रहती है सब चीज़ें कि ये टी सेट भी उसका है। फाइनली वो एक ड्रॉर खोलती है, उसके अंदर कटलरी भी, इमेजिन दैट, कटलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, एंटीक चीज़ें, प्लेट्स जो भी डेकोरेशन के लगाते हैं वो सब उससे बिलोंग करती थी, उसकी मदर की चीज़ें थी वो। तो वो देखकर बहुत हैरान होती है, फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ ऐसी नेचर वाली लेडी का इसे सामान लेना। फिर फाइनली वो बैठे बैठे कुछ और सोचती है कि अब इन चीज़ों को मेरे लिए लेना वेस्ट ही है, क्योंकि मैं एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहती हूँ जिसमें कोई स्पेस नहीं है ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेने रखने का। फिर फाइनली वो ये भी सोचती है कि मैं जितना इन चीज़ों से जुड़ी रहूँगी अब ये चीज़ें मुझे कुछ अंदर से सफोकेट फील कराएंगी। तो वो बहुत ऐसा फील करती है, एंड फाइनली शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो क्योंकि शी वॉन्ट्स टू मूव ऑन हर वे। तो इस तरह से वो चाहती है कि मैं इस एड्रेस को भूल जाना ही मेरा फ़ायदा है मुझे, क्योंकि कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा था और जो है वो स्मॉल रेंटेड रूम में भी रहती, दो रीज़न थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डज शी वॉन्ट टू रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, कि वो एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती थी। तो दो रीज़न नज़र आ रहे हैं, एक तो स्मॉल रेंटेड रूम और सेकेंड है कि वो चीज़ें उसको उसकी मदर की बार बार याद दिलाती, उसको सफोकेटिंग फील होता जिस तरह से वो मैनेज करके रखी हुई थी डिस्टेस्ट मैनर में। तो उसको पाना भी, उसको जो है वो चीज़ों को लेना भी उसके लिए बहुत प्रॉब्लम था, मतलब उसके लिए टफ था ये टास्क। तो इस तरह से कहानी का एड्रेस होता है, तो एड्रेस का टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि किस तरह से वो ड्रेस के पास उसकी मदर के पोजेशंस था और किस तरह से वो उसी एड्रेस को लास्ट में भूल भी जाती है। आई होप कि आपको ये समरी, ये लेसन
अपनी जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। बाय बाय।